बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है आप लोग समझ सकते हैं। और बड़े भाई साहब बजा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। हाय दोस्तों, हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज दोस्तों हम चलते हैं भुसावल का, आप लोग को पंडाल दिखाएंगे और पंडाल कितना अच्छा लगता है या कितना बढ़िया सजाए हुए हैं आप लोग को हम चलते हैं वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहना दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना अच्छा पंडाल आप लोग को आज हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। बस दोस्तों वीडियो में बने रहना, आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहो और पूरा वीडियो देखना दोस्तों। और एक चीज़ और, जो पंडाल आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट करके बताना दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलना दोस्तों। बस आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों गणपति विसर्जन कल स्टार्ट हो जाएगा, तो आज गणेश भगवान को मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और गांव में आए थे तो थोड़ा गांव में मूर्ति बहुत छोटी है, गणेश भगवान की प्रतिमा है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, शक्ति तो उतनी रहती है दोस्तों। और कितना अच्छा लग रहे हैं, बहुत अच्छे से सजाए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। आज आप लोग को हम गणपति का मूर्ति दिखाएंगे अपने इस ब्लॉग वीडियो में, और बड़ी से छोटी सब रंग की मूर्ति आज आप लोग को हम दिखाएंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहना दोस्तों। दोस्तों हम रिंकू पानीपुरी खाने आ गए हैं भुसावल क्षेत्र में, और रिंकू हमारे बगल में बैठे हैं, तो अभी पानीपुरी खाते हैं, फिर उसके बाद आज चलेंगे गजानंद महाराज गणेश भगवान की मूर्ति वगैरह देखेंगे और मार्केट घूमेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। आप लोग देखना कितना अच्छा लगता है। अभी दोस्तों शुरुआत तो हम लोग निकल चुके हैं, तो रूम से आते समय तो थोड़ा वीडियो नहीं बना पाए थे, तो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ से शुरू किए हैं, फिर आगे आप लोग को और दिखाते रहेंगे। अभी थोड़ा पानीपुरी खा लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं गोलगप्पा खाने के बाद, फिर आप लोग को और दिखाएंगे। गजानंद महाराज की प्रतिमा 2-3 दिन में चली जाएगी दोस्तों, तो मैं सोचा आज आप लोग को दिखा दूँ। बस आप लोग वीडियो में बने रहना, शुरू से लेकर अंत तक देखना कौन सी मूर्ति आप लोगों को अच्छी लगी कमेंट करके बताना। दोस्तों हम लोग गोलगप्पा खा लिए हैं, फिर उसके बाद यहाँ से अब चल रहे हैं और फिर और आगे देखते हैं कि कैसा पंडाल वगैरह आज दिखाएंगे आप लोग को अपनी वीडियो में। बस आप लोग वीडियो में बने रहना शुरू से लेके अंत तक, देखेंगे तो आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। अभी हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। मैं आप लोग को पहले दिखा चुका हूँ अपनी वीडियो में, फिर दोबारा लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आज उस समय जब आया था दोस्तों तो पूरा पैक थे, तो आज सब कुछ ओपन हुआ है, तो 2-3 दिन में प्रतिमा चली जाएगी। तो रंगोली वगैरह आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों हम लोग आकर पूरा दर्शन वगैरह हर चीज़ कर लिए हैं, फिर अब आगे चलते हैं दूसरे पंडाल के साइड और आगे देखते हैं क्या रीजन निकलता है, पूरा देखेंगे और घूम टहर कर आज आप लोग को हम दिखाएंगे इस अपने इस ब्लॉग वीडियो में। पूरा आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आप लोग तो आप लोग आए करते हैं पंडाल कुछ इस साइड से है और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और मूर्ति भी दोस्तों 20 फीट की लमसम में है और सजावटी बहुत अच्छे से किया गया है। फिर आगे आप चलते हैं, फिर और आगे आप लोग दिखाएंगे, तब तक ये वीडियो में बने रहें। आप लोग को मैं हर पंडाल दिखाऊंगा, तो सावन में आए हैं तो आप लोग को पूरा
जैसे हमारे सुल्तानपुर क्षेत्र में दुर्गा माता को बैठाते हैं और बहुत अच्छे से सजाते हैं, तो महाराष्ट्र में गणपति पूजा बहुत शौक से मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरा, हम लोग अंदर तक गए थे, पूरा दर्शन वगैरह करके आए हैं, फिर आपको दूसरे पंडाल के पास लेके चलते हैं। और कहाँ की मूर्ति आप लोग को ज़्यादा बड़ी लग रही है दोस्तों? यहाँ की मूर्ति लगभग 22 फीट की है, मैं आप लोग को फिट भी बता रहा हूँ, 22 से 24-25 फीट की मूर्ति है यहाँ पर गणपति बप्पा का। फिर उसके आगे आप लोग को और दिखाते हैं। बस आप तो हम लोग दूसरे पंडाल में आ चुके हैं, फिर आप यहाँ की मूर्ति दिखाएंगे आप लोग को। और दोस्तों हम लोग आज पंडाल ही देख रहे हैं घूम घूम कर, और कहाँ का पंडाल हमको अच्छा लग रहा है, कहाँ की पंडाल आप लोगों को अच्छा लग रहा है, जहाँ का भी पंडाल आप लोग को अच्छा लगे कमेंट करके बताते रहें दोस्तों, फिर आप लोग को हम लेके चलते हैं यहाँ पर पंडाल में। फिर और आप लोग बताते रहना जैसे जैसे जहाँ का पंडाल आप लोग को अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा पंडाल है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर देखकर, और आर्गन भी बजा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और बड़े भाई साहब बजा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग देखे बड़े भाई आर्गन वगैरह भी बजा रहे थे, तो आप लोग को गाना तो नहीं सुना सकते, कॉपीराइट होने का संभावना ज़्यादा रहता है। अगर वीडियो में अगर गाना सुनाते हैं दोस्तों कॉपीराइट ज़्यादा होने का, कलम पाने का बहुत संकेत रहता है, तो इसीलिए हम गाना आपको पूरा नहीं सुना सकते हैं। फिर अब आगे चलते हैं दूसरे पंडाल के साइड, आपको वहाँ का पंडाल दिखाएंगे। बस आप दोस्तों हम दूसरे पंडाल के पास फिर पहुँच चुके हैं, और आप लोग को यहाँ की मूर्ति दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही पास में से हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थोड़ा यहाँ पर गणेश भगवान का कलर थोड़ा चेंज हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देखकर, और यहाँ पर छोटे गणेश भगवान, और दोस्तों पंडाल भी बहुत अच्छे से सजाए हैं आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप हमारे पीछे देख सकते हैं गणेश भगवान की प्रतिमा है, और मैं आज आया था पूरा, आप भुसावल का जितने गणेश भगवान के पंडाल हैं सबको आपको दर्शन कराने के लिए लाया था, और आप लोग देखें दर्शन करें भगवान गणपति जी का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। भुसावल में आए हैं, बहुत ही ज़्यादा मानते हैं महाराष्ट्र में, और काका जी यहाँ के मालिक हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे काका जी को, मैं काका जी को भी दिखा दूँगा ये पंडाल, काका जी ने बहुत बहुत मेहनत करके बनाया है, और गणपति जी महाराज को अपने द्वार पर बैठाए हैं, तो काका जी बहुत ही यहाँ पर मेहनत करते हैं, और पूरा पंडाल का सेवा वगैरह हर चीज़ पूजा पाठ हर चीज़ बाबा करते हैं यहाँ पर। बस आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, देख सकते हैं दोस्तों यही काका हैं जो पंडाल को पूरा मैनेज करते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं, और बहुत ही आप लोग को पूरा हर जगह साफ़ सफाई दिख रहा होगा दोस्तों। और काका जी बहुत ही अच्छे लगे हमको यहाँ पर आए, और हम लोग गणेश भगवान का प्रतिमा देखे, आप लोग को भी दिखाएं और काका जी को भी देखें। बस दोस्तों अब चलते हैं दूसरे पंडाल के साइड। दोस्तों आप लोग मेले में जाते होंगे, खिलौने का बहुत ही याद आता है, तो हम लोग भी यहां से गुजर रहे थे तो हम लोग को खिलौना दिख गया, और आप लोग को हम दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों जब आप मेले में जाते हैं और खिलौना खरीदते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, बचपन की याद आती है दोस्तों। आज हम लोग आए थे तो गणपति जी को पंडाल देखने के लिए, तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। फिर हम दूसरे पंडाल के पास आ चुके हैं, और आप लोग को यहाँ की प्रतिमा दिखाते हैं। यहाँ पंडाल के आसपास हमको कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ गणेश भगवान की प्रतिमा है, और उसके आसपास हमको कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, गणेश भगवान की प्रतिमा अकेले है दोस्तों, और क्या बताएं आप लोग को। और मूर्ति कैसी है आप लोग को हम पंडाल दिखाते हैं, यहाँ अगर कोई होते तो उनसे पूछे और बात वगैरह किया जाता, तो आप लोग को हमने दूसरे पंडाल के पास गए थे काका जी दिखे थे, तो मैं काका जी को दिखाया था, इस पंडाल के पास हमको कोई नहीं दिखे दोस्तों, हम नहीं दिखा पाए। और आप लोग को हम मूर्ति दिखाते हैं, पंडाल की मूर्ति कैसी है, और पंडाल भी बहुत अच्छे से सजा सकते हैं दोस्तों। विष्णु भगवान की प्रतिमा है और गणेश भगवान की देख सकते हैं पंडाल यहाँ की मूर्ति, मैं तो आप लोग को कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ की मूर्ति आप लोग को अच्छी लगी, कौन सी मूर्ति अच्छी लगी आप लोग कमेंट करके बताएं। और आप लोग को देख सकते हैं
संचारक कौन कौन है? गंगाराम पलेक्स भुसावल। आप लोग पूरा देख सकते हैं दोस्तों, पंडाल बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लगा पंडाल हमको देखकर। बस दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे, फिर अगले पंडाल के पास हम चलते हैं, फिर वहां का लोकेशन आपको बताते हैं कैसा लगा कैसे है। दोस्तों हम लोग दूसरे पंडाल के पास पहुंच चुके हैं और आप लोग का यहां का मूर्ति दिखाते हैं। आप लोग अंदाज लगाकर बताना दोस्तों कितनी फुट की मूर्ति है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों यहाँ पर मूर्ति हमको, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से सजाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देख के। और आप लोग पंडाल भी देख सकते हैं कितने अच्छे से सजाया गया, नाम देख सकते हैं साईं ग्रुप मित्र मंडल, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देख के। और आप लोग इसकी साइज बताएं कितनी फिट की मूर्ति है, मैं आप लोग को वीडियो में मतलब इसमें दिखा रहा हूँ और मैं बता भी देता हूँ दोस्तों, इसकी लगभग 25 फीट है। कैमरे में मैं थोड़ा पीछे में हूँ, आप लोग देख सकते हैं इंसान कितने छोटे दिख रहे हैं यहाँ पर। 25 फीट की मूर्ति है दोस्तों, आप लोग मैं तो बता ही देता हूँ दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि कैमरे से उतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आप लोग। बस दोस्तों ये पंडाल भी देख लिए, फिर आगे देखते हैं अगर पंडाल मिलेगा दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे, नहीं मिलता है फिर हम लोग चल रहे हैं रूम की साइड चल रहे हैं दोस्तों, अगर मिलेगा दिखाते रहेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं दिखा पाएंगे, फिर हम चलते हैं आगे की साइड। तो हम लोग फिर भी पहुंच चुके हैं दूसरे पंडाल में, हम लोग जा रहे थे दोस्तों पंडाल देख गए, तो मैं सोचा आप लोग को मूर्ति दिखा दे ही देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ड्रेस देख सकते हैं, पूरा भगवा रंग है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा बड़े, आप लोग अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पर, और पूरा पहाड़ बना दिए हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, एकदम पूरा पहाड़ जैसा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने आए हम लोग, और बहुत ही क्या बोले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं दोस्तों बड़े भगवान हैं, बहुत ही मात्रा में यहाँ पर महाराष्ट्र और भी बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और आप लोग को हर जगह का पंडाल दिखा रहे हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहें और आगे चलते हैं और पंडाल दिखाएंगे आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बाहर का लोकेशन कितना अच्छे से बनाए हैं, गेट वगैरह हर चीज अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में, और अंदर भी गए आप लोग को हमने दिखाए साईं बाबा के जैसे एकदम पूरा सेटअप किए हैं, और भगवा रंग का पूरा एकदम ड्रेस है गणपति बाप्पा के ऊपर, और कितना अच्छा लग रहा है आप लोग भी देख सकते हैं और देखकर बताइए कितना अच्छा लग रहा है कमेंट दोस्तों। हम लोग दूसरे पंडाल के पास फिर भी पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं दत्ता धाम पंडाल है जय बजरंग ग्रुप, और कितना अच्छे से यहाँ पर भी है, आप लोग को प्रतिमा दिखाते हैं हम, देख सकते हैं दोस्तों गणेश भगवान की प्रतिमा, और आप लोग कमेंट करके बताएं जो आप लोग को शुरू से वीडियो में बताते आया हूँ कहाँ का मूर्ति कितने फिट की है, कहाँ की कितने फिट की, आप लोग वो कमेंट करके बताएं यहाँ की मूर्ति आप लोग को कितने फिट की लगी, फिर आगे आपको हम बता भी देंगे कि दोस्तों आप लोग देखे पंडाल वगैरह आज भुसावल का जितना पंडाल था आप लोग को हम दिखाने का पूरा फुल प्रयास किए, लेकिन दोस्तों पूरा नहीं दिखा पाए, एक वीडियो में पूरा पंडाल दिखाना ज़्यादा टाइम हो जाता है दोस्तों, और घूमना टहलना पूरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप लोग जितना भी पंडाल देखें कौन सी मूर्ति कितने फिट की थी आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, मैं कुछ कुछ मूर्ति को आप लोग को नहीं बताया हूँ कितने फिट की हैं कितनी नहीं है, कुछ कुछ मूर्ति को आपको बताया हूँ, आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सी मूर्ति कितने फिट की थी और कौन सी मूर्ति कितनी पसंद आई आप लोगों को, कमेंट करके बताएं दोस्तों। बस वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।